चल रहा है वहां पे रणवीर के रूम पे जाके थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करके फिर डायरेक्टली चले जाएंगे एग्जाम देने। परफ्यूम निकाल रहा है। हाँ कॉलेज। हाँ मैं बिना एड्रेस में बात, बाकी सब एड्रेस में स्टार्ट करना है। इधर भी एक ये सिस्टम का गाड़ी लगा हुआ है यहाँ पे सिस्टम। सबसे पहले हम निकले उसके बाद। और आज का सीन बता दे एग्जाम में, एग्जाम हॉल में जा गए हैं एकदम मस्त हम जाके। मेरा स्ट्रेटेजिक था तो आज शायद से 2 बजे से एग्ज़ाम है और अभी 10 बजने को आ रहा है, थोड़ा सा होता ही 10 बजे के करीब टाइम होने वाला है। तो निकल रहे हैं वहाँ पे रणवीर के रूम पे जाके थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करके फिर डायरेक्टली चले जाएंगे एग्ज़ाम देने और एग्ज़ाम देकर डायरेक्टली वापस आ जाएंगे। और आज का ड्रेस कोड भी है हम लोग के कॉलेज का, वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स या ब्लैक जीन्स। तो जो कि मेरे पास अभी वाइट शर्ट नहीं है तो इस कारण से हम यही शर्ट पहन लिए, यही शर्ट पहन के जाएंगे। तो अभी देखते हैं अंदर क्या सीन होता है। और ये एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही जाना है और आइडेंटिटी कार्ड भी, एक आईडी कार्ड जो भी कॉलेज का होता है। तो वही चलते हैं अभी। अभी तो 9:49 ही हो रहा है और वो भी सही टाइम पर हम निकल गए हैं तो वो चीज़ एक सही हो गया है। और ये वाला पेट्रोल पम्प अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अभी होली क्रॉस का छुट्टी हो चुका है जो कि क्राउड रहना चाहिए। अभी जाम लग जाएगा, पता नहीं आज 10 बजे ही हो गया है ना, लगता है एग्ज़ाम वगैरह होगा। हमें भी हाँ एग्ज़ाम ही होगा, एग्ज़ाम होगा इस कारण से ही इन लोगों का छुट्टी सवेरे हो गया और ये ले जाम लग गया। ओ यार जाम नहीं लगना चाहिए था यार, ब्रेजा वाला भी ई रिक्शा वाले को। कहाँ जा रहे हैं, इधर जाऊँगा, कहाँ कहाँ आदमी सब पहुँच गया है ना, चांद तक पहुँच गया है सर, यहाँ तक पहुँचने में किसी को दिक्कत थोड़ी होगा। यह हो रिजल्ट डे है क्या, पता नहीं क्या है नहीं है, हट। चलो भाई अच्छा बात है कि जाम नहीं था यहाँ पे। तो आज का मौसम देख ही रहे हो मस्त एकदम बना हुआ है। तो सीन तो ये है कि जिस दिन मौसम में तारीफ नहीं करते हैं उस दिन धूप आ जाता है। आज तारीफ कर दी है, आज देखते हैं धूप आता है कि नहीं लास्ट तक। और ड्रेस का भी देखते हैं, सीन नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होगा तब बहुत बढ़िया, अगर हो गया तब देखते हैं क्या है आगे का सीन शॉर्ट करने का। अभी तो जा रहे रणवीर के रूम पे, पहले रुकेंगे वहाँ क्योंकि 2 बजे से एक स्टार्ट है एग्ज़ाम, तो वहाँ पर जाके थोड़ा सा रिविज़न वगैरह करना है तो इस कारण से ही जा रहे हैं। और पता नहीं वो अभी तक सोया ही होगा या जगा होगा, चांस ज़्यादा है कि वो सोया ही हुआ होगा क्योंकि लेट 1 बजे तक शायद से नहीं सोया था वगैरह, तो इसीलिए तो चलते हैं उसी के रूम पे डायरेक्टली। अब उसके बाद फिर वहीं बात करते हैं। रेडी गाइस, एडमिट कार्ड लेके रेडी है, परफ्यूम निकाल रहा है। हाँ 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 बस करो हो गया टाइम निकलने का, कॉलेज जाएंगे पहुँचेंगे, 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा थोड़ी लगेगा, वो रहा कॉलेज। क्या करेगा अंदर जाके एग्जाम देगा और क्या करेगा, वो रहा कॉलेज। हाँ मैं बिना ड्रेस में बात, बाकी सब एड्रेस में। इधर भी एक ये बिना ड्रेस का, वो भी बिना ड्रेस का। अच्छा ठीक, कल से सब साथ देगा, कल नहीं परसों से। हाँ सर बोलिए, वहीं से सुन रहे हैं एकदम। हो गया सलेस सुनने रहा। सिस्टम का गाड़ी लगा हुआ है यहाँ पे सिस्टम बना लिए थे। सबसे पहले हम निकले उसके बाद ये निकला रन अंकित, उसके बाद ही सबसे लास्ट में हम लोग का टीचर ही सबसे लास्ट में निकला। कैसा आदमी है, हाँ बैठ के रील देख रहा है और कुछ नहीं, यही था मतलब। मस्त गया एग्ज़ाम, फटाफट लिख के निकल गए थे, हमको लग गया था थोड़ा भूख इस कारण से ही निकले थे जल्दी और लिख भी लिए थे इस कारण से भी। अब निकलेंगे घर फटाफट और वहाँ पे मोबाइल जो मेरे बैग में रखा सबका दोस्तों। तो अभी तक तो हम घर नहीं गए हैं वापस, ऐसे ही थोड़ा सा सोचे कि 5:30 6 बज गया था तो सोचे कि निकल जाते हैं अभी बाहर के लिए।
अनुराग भी बोला कि क्या जाएगा घर आओ इधर, तो ले रहा है यहाँ पे सिल्वर फॉइल। हमको कोई काम नहीं था, बैगन लेना था तो मिल नहीं रहा है नीचे, बहुत गंदा है, मतलब कि बहुत सूखा सूखा है, इस कारण से ही नहीं ले रहे हम। और हेलमेट और बैग दोनों अनुराग के ही रूम पे रख दिए हैं, अभी जाएंगे तो लेके फिर वापस हम निकल जाएंगे घर। अभी 7:07 हो रहा है बस, ज़्यादा नहीं टाइम हुआ है, तो लेके निकलेंगे फटाफट। मिलेगा तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चलो देखो जल्दी। और निकल गए हैं घर की तरफ, और आज का सीन बता दें एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में जाग गए हैं एकदम मस्त हम जाके। मेरा स्ट्रेटजिक था आज का ये कि घुसे हैं और फिर हम देखें क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव देखिए कौन कौन सा आ रहा है हमको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मार्क किए फटाफट, और जो 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है बनाने के लिए, मतलब सब्जेक्टिव में, उसको भी सर्कल किए कि कौन कौन सा हमको आता है, 3 सर्कल किए, चौथा नहीं किए, फिर चौथा एक बार हम पढ़े फिर सर्कल कर दिए चारों। उसके बाद हम उसी क्वेश्चन के अलावा हम कुछ देख ही नहीं रहे थे एक्स्ट्रा, उसको लिखना स्टार्ट किए, पेपर मिला है स्टार्ट कर दिए लिखना डायरेक्टली, क्वेश्चन बाद में मिलता है, पहले वो मिल जाता है आंसर शीट पहले मिल जाता है, तो ऐसे ही कि और फटाफट लिखते 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 तो 4 बजे तक हम कंप्लीट कर लिए थे, बस ऑब्जेक्टिव मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था और 1-2 पॉइंट बाकी था तो वो भी नहीं लिखे थे, तो वो उसके लिए रुके हुए थे थोड़ा सा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव 4-3 बचा हुआ था, तो वो 3 कंप्लीट किए मतलब पूछ के, उसके बाद फिर जो भी बचा हुआ था उसको भी थोड़ा सा कंप्लीट किया, उसके बाद सबमिट किए निकल गए। क्योंकि हुआ क्या था ना कि हम सुबह में 10 बजे बस ही नाश्ता करके निकले थे घर से, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 10 बजे हम निकले थे ना, तो 10 बजे नहीं बोल सकते, 9:30 ही निकले थे, तो बहुत लेट भी हो गया था और मेरे पेट में दर्द करने लगा, खाना नहीं खाए थे इस कारण से। उसके बाद हम उसी कारण से उठे फिर गए फिर कैंटीन के पास, तो कैंटीन भी बंद था, तो फिर गए बाहर में समोसा वगैरह खाए दोस्त लोग के साथ ही, उसके बाद फिर निकले। तो इधर आ ही रहे थे कि हम अनुराग को एक मोमेंट के लिए सोचे कि कॉल कर देते हैं, क्योंकि 5:45 हो गया था हमें घर जाते जाते तक, तो सोचे कि अब फिर अगर मान लो अगर आना होगा तो इसीलिए सोचे कि अभी रुक जाते हैं एक ही बार चल जाएंगे घर। तो अभी बस वही 7:46 हो रहा है, तो अभी निकल रहे हैं घर की तरफ, और जो भी सामान वामान थोड़ा मोड़ा लेना है उसको भी लेके निकलेंगे फटाक से घर, और कल फिर जाएंगे वापस से। परसों है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का शायद से, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ऐसा, तो वही जाके रिवीजन करना है, वही बता देगा फिर वापस से रणबीर, उसके बाद फिर बाहुबली बन जाएंगे एग्ज़ाम के वापस से, तो ऑल थैंक्स टू रणबीर। बस तो यही है अभी का सीन, तो चलते हैं अभी घर, फिर थोड़ा सा मेहनत करते हैं, एडिट करके डालते हैं कल वाला वीडियो, उसके बाद फिर मिलते हैं।